सहारनपुर के चिलकाना क्षेत्र के गांव चालाकपुरा में दिन निकलने से पहले ही एक युवती की हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना को संदिग्ध मानकर पुलिस गहनता से जांच कर रही है। परिजनों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार प्रातःकाल लगभग 3 बजे 21 वर्षीय युवती महकारा पुत्री मुशर्रफ की 3 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चाकू एवं गोली मारकर हत्या कर दी गई। सूचना मिलने पश्चात थाना प्रभारी विनय शर्मा ने पुलिस टीम सहित घटनास्थल पर पहुंच शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आज चिलकाना थाने पर सुबह 4 बजे के करीब पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि चालाकपुर गांव में एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई है। इस पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं और वहां पर प्रकरण की जांच की जा रही है। जो युवती है उसका शव कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम हेतु भेजा है। परिजनों से और आसपास के लोगों से बातचीत की जा रही है। जिन परिस्थितियों में मृत्यु होना बताया गया है वो संदिग्ध है और उस पर पुलिस सही प्रकरण के अनावरण के लिए प्रयासरत है और शीघ्र ही इसमें अनावरण कर जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सहारनपुर में कल होने वाले RSS सरसंचालक मोहन भागवत के कार्यक्रम को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन तादा द्वारा नकुर विधायक मुकेश चौधरी के साथ बालाजी एन्क्लेव सरसावा में कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया गया और संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देशक दिए गए। सहारनपुर में आज पत्रकारों से वार्ता करते हुए सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद शर्मा एडवोकेट व महासचिव मुनव्वर आफताब ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के जनप्रतिनिधि सांसद व विधायक गण लोकसभा व विधानसभा में हाई कोर्ट बेंच की मांग को लेकर मुद्दा उठाए और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच स्थापित कराने के लिए मुख्यमंत्री व सरकार पर अपना कड़ा रुख अपनाए। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता समाज काफी समय से आंदोलन कर रहा है लेकिन अधिवक्ताओं की आवाज़ सरकार के कानों तक नहीं पहुंच रही है। आज की जो PC बुलाई है हम लोगों ने केवल और केवल इसलिए बुलाई है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट के बेंच की मांग को अब एक नए तेवर के साथ नए कलेवर के साथ लड़ा जाएगा। आप ये भी कह सकते हैं कि आने वाले समय में एक संघर्ष का बिगुल है। क्या रणनीति रहेगी? संघर्ष की रणनीति अहिंसात्मक रहेगी, गांधीवादी रहेगी। पिछले 40 वर्षों से आंदोलन लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलता, जब तक खंडपीठ नहीं मिलती, आंदोलनरत रहेंगे। तो इस आंदोलन में क्या नया रहेगा, क्योंकि आंदोलन तो काफी समय से हो रहा है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे आप। अभी हमारी 28 तारीख की गाजियाबाद में 22 जिलों की मीटिंग है जिसमें सभी जनपदों के अध्यक्ष और महासचिव वहाँ पहुँचेंगे। 28 तारीख को हम लोग तय करेंगे कि अगली रणनीति हम लोगों को क्या तय करनी है।